सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं पल्सर 220F के फीचर एंड कंपनी ने क्या क्या चेंज करे हैं, क्योंकि ये वाला मॉडल भाई 2024 का होने वाला है। ये बाइक हो गई थी डिसकंटिन्यू, दोबारा आई है। तो अब इसके अंदर क्या क्या कंपनी ने फीचर ऐड कर दिए, क्या क्या स्पेक्स नए हैं, एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फटाफट से कर देना। तो गाइस देखो, अपने सामने भाई खड़ी है पल्सर की 220F। तो भाई इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं इस बाइक के अंदर क्या क्या कंपनी ने चेंज करे हैं, फीचर के मामले में, डिज़ाइन के मामले में, ग्राफिक के मामले में, टायर साइज़ के मामले में, इंजन के बारे में। तो सारी चीज़ मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई पावर के बारे में, क्योंकि भाई 220cc का आपको इंजन मिलने वाला है। तो पावर क्या दे रही है भाई कंपनी? तो जो पावर मिलने वाली है आपको मिलने वाली है भाई वो 20 PS की पावर एंड 18 Nm का टॉर्क। भाई थोड़ी कम है यार, मेरी बाइक से कम है, लेकिन बाइक को जब आप चलाओगे ना, आपको एक्चुअल फील जब ही मिलेगा जब आप बाइक को चलाओगे, तो काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। NS से कम है, क्योंकि NS भाई परफॉर्मेंस बाइक है, तो मैं NS से कंपेयर नहीं कर सकता इस बाइक को, ठीक है। तो पावर स्पेक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। 220cc का भाई लेजेंडरी बाइक है भाई, सही बता रहा हूँ। बाइक डिसकंटिन्यू होने के बाद दोबारा कंटिन्यू करी है कंपनी ने, कोई सोच समझ के ही करी होगी। तो भाई अब देखो, नए वाला ग्राफिक के साथ ये बाइक लॉन्च हुई है, ब्लैक रेड का इन्होंने कॉम्बिनेशन दे रखा है, प्लस जो इन्होंने भाई कार्बन फाइबर का काम कर रखा है ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, ये देखो। तो भाई बाइक को पूरा इन्होंने कार्बन फाइबर से, इन्होंने देखो यहाँ पे पूरा कार्बन फाइबर डाल रखा है, पीछे कार्बन फाइबर की एक स्ट्रिप है, टैंक पे कार्बन फाइबर है। तो बात मतलब एक जो लुक देने के लिए उन्होंने कोशिश करी है ना, काफ़ी भाई डिसेंट प्यारा सा लुक उन्होंने देने की कोशिश कर रहा है, एंड एक्चुअल में ये काफ़ी बाइक प्यारी लग रही है कार्बन फाइबर के साथ। तो काफ़ी स्पोर्टी लुक इन्होंने देने, एक तो भाई इसका एग्जॉस्ट मेरे को काफ़ी प्यारा लगता है, इसका साउंड उतना वैसा नहीं है जिस तरीके से एग्जॉस्ट है, बट अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफिक इन्होंने नया डाल दिया 220F। बाकी अब इसका मैन इंजन सेक्स के बारे में बात कर ही ली है, एंड पावर के साथ हम आगे से बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। 90 सेक्शन का इन्होंने आगे का टायर दिया है, एंड 130 या 140 सेक्शन का इन्होंने पीछे का टायर दिया है। 120 आपको पीछे का जो टायर मिलने वाला है भाई, इसको 120 सेक्शन का पीछे का आपको टायर मिलने वाला है, 90 सेक्शन का आपको आगे का टायर मिलने वाला है। यार मैं सही बता रहा हूँ, आगे का टायर देखने में एक्चुअल में उतना ही पतला है जितना इसका सेक्शन है। 90 सेक्शन भाई काफ़ी कम होता है, 220cc की बाइक है, उसके अकॉर्डिंग आगे का टायर काफ़ी आपको पतला मिलने वाला है। हाँ अगर पावर स्पेक्स की अगर मैं मेज़र करूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको भाई इसमें लिक्विड कूल नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं है कि भाई NS से कंपेयर करेंगे 220cc है तो आपको लिक्विड कूल ही मिलेगा, नहीं, आपको इसके अंदर लिक्विड कूल नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं भाई इसका मीटर कंसोल के। तो सारी बजाज की बाइकों में भाई जो मीटर आने वाला है वो आने वाला है आपका डिजिटल, पूरा इन्होंने डिजिटल मीटर इन्होंने कर दिया है। डिजिटल मीटर में इन्होंने फीचर क्या क्या ऐड करे हैं, तो भाई जो इसके अंदर फीचर होने वाले हैं ना भाई, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि क्या इसके अंदर कंपनी ने फीचर ऐड करे हैं, क्या नहीं करें। ट्रिप ए ट्रिप बी ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बाकी इन्होंने एक एड ऑन चीज़ कर दी है, ये देखो कि आपका चार्जिंग का सॉकेट इन्होंने ऐड कर दिया, अगर आपको चार्ज करना है इन केस तो आप इजीली चार्ज कर पाओगे, ठीक है। बाकी ओवरऑल लुक देखा जाए काफ़ी प्यारा बाइक का लुक दिया गया है, 160 किलो की बाइक है, तो हैंडल करने में, लिम्बन करने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। जितनी ये बल्कि बाइक दिखती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग बाइक 160 किलो की है, आप इजीली हैंडल कर पाओगे। एंड जो बाइक का हाइट होने वाले, सीट हाइट, वो भी काफ़ी प्यारी होने वाली है, मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि एक्चुअल में मेरी 5'6" हाइट है और 5'6" अकॉर्डिंग मैं इस बाइक को कैसे हैंडल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। एंड इसका फ्रंट से लुक बात करते हैं हम, तो इसके अंदर भाई आपको हैलोजन सेटअप मिलने वाला है, LED आपको कहीं नहीं मिलेगा मीटर को छोड़ के, आपका जो प्लैटिना के अंदर इंडिकेटर होते हैं ना भाई, आपको वो मिलने वाले हैं। यार मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहा है ये चीज़, तो मैं 2024 में बोलूँगा यार LED कम से कम देना चाहिए, तो यहाँ पे LED आपको नहीं मिलने वाला, आपको सारा हैलोजन का सेटअप मिलने वाला है। जो प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर आपको, ये भी आपको हैलोजन मिलने वाला है, ये देखो। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट मैं काउंट करूँगा कि 2024 में भी इन्होंने LED नहीं दिया, आपका हैलोजन सेटअप दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ओवरऑल देखा जाए बाइक काफ़ी प्यारी है, एंड इसका प्राइस भी उतना ही प्यारा है। तो बाइक का जो प्राइस होने वाला, चलो एक काम करते हैं, शुभम को कैमरा देते हैं, मैं आपको उसके सीट हाइट बताऊं कि मैं 5'6" के अकॉर्डिंग मैं इस बाइक को कैसे हैंडल कर पा रहा हूं। ये देखो मेरी 5'6" हाइट है, एंड 5'6" के अकॉर्डिंग मैं इजीली हैंडल कर पा रहा हूं, मेरे टो से भी ज़्यादा पैर नीचे टच हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इजीली कर पा रहा हूं, हैंडल कर पा रहा हूं। 160 किलो का इसके अंदर वेट आने वाला है, एंड जो काफ़ी बेकार बात होने वाली है वो इसका है 5 स्पीड का गियरबॉक्स।
220 सीसी की आपको बाइक मिलने वाली है। एंड जो गियर बॉक्स आपको मिलने वाला है वो सिर्फ पाँच बारी आप इसको अप डाउन कर सकते हो। एनएस 200 के अंदर भी 6 गियर है, ठीक है। तो देखा जाए तो ओवरऑल ठीक है, बाइक के अंदर कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। इसका टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बताया होगा 15 लीटर का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक गियर एक्स्ट्रा करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जो इसका प्राइस होने वाला है भाई, कंपनी ने रखा है 170 ऐसे 180 के आपको आसपास मिलने वाली है। स्टेट वाइज जारी करने वाला आपका प्राइस, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग RTO चार्जेस वगैरह रहते हैं, इंश्योरेंस होते हैं। तो 170-180 के आसपास आपको बाइक मिल जाएगी, 220 सीसी की बाइक। तो देखा जाए तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको परचेस करने का इसका प्लान करना है भाई, तो आप जाओ डीलरशिप पे, जाओ टेस्ट ड्राइव लो और इस बाइक को बुक करो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फटाफट से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गाइस बाय बाय।